हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई नो आप लोग कहोगे कि रिचा कहाँ गायब हो गई थी, बहुत टाइम बाद आज ऑनलाइन दिखी हो। तो यस यार, मैं भी आप ही लोग की तरह घर के कामों में इतना ज़्यादा बिजी हो गई हूँ कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है किचन से। तो ऐसा लगता है कि जैसे जन्मों जन्मों का रिश्ता जुड़ चुका है, एक सेकेंड भी उधर से हिलते नहीं हम लोग। और ये मेरी नहीं, हम सबकी कहानी है आई नो। और मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि हम औरतें ही काम कर रही हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ है ये चीज़। हस्बैंड भी बराबर सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि अभी लॉकडाउन है, मेड नहीं आएगी तो बहुत सारा काम हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड तो बहुत हेल्प करते हैं मेरी हर चीज़ में। आज इसलिए ऑनलाइन आई क्योंकि मुझे थोड़ा डिस्कशन करना था आजकल जो चल रहा है। एक तो कोरोना ने तो फैल मचा ही रखी है धूम, उसके बाद दूसरा है कि चाइना भी बहुत ज़्यादा बेचैन है वॉर करने के लिए, और कुछ ना कुछ करता चला जा रहा है। इंडिया पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे ये सब आई नो ये बहुत बड़े लेवल की बात है, हम लोगों से उसका कोई बहुत ज़्यादा हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। बट जो हम कर सकते हैं वो ये है कि यार बायकॉट करना है हमें चाइना के प्रोडक्ट्स को। ये बहुत आई थिंक बहुत टाइम पहले से चला आ रहा है, जब ये कोरोना वोराना नहीं हुआ था या कुछ भी नहीं था तभी भी, बहुत टाइम पहले से जब ये एकदम से इन्होंने अपनी पूरी हमारी इंडियन मार्केट को एकदम से डाउन करके सिर्फ चाइना मार्केट ही वो हो रही थी, तभी से मुझे लगता है बहुत सारे लोग लगे हुए थे इस चीज़ को कहने में कि प्लीज़ बायकॉट द चाइनीज़ प्रोडक्ट। बट हमने तब नहीं सुना क्योंकि आई नो वहाँ के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा चीप होते हैं, मैं मानती हूँ वो चीज़। बट आप सोचो यार कि ठीक है चीप अपनी जगह है, बट वो कितने दिन चलती थी। सबको पता है कि चाइनीज़ मार्केट का कोई वारंटी गारंटी नहीं होता, एक बार ख़त्म हुआ तो ख़राब हुआ तो गया आपका जो वो हो गया मॉस्किटो नेट आप खरीदते हो। मेरा तो मुश्किल से आई थिंक अगर कोई बहुत अच्छा निकल जाए तो 6 महीने चलता है, उससे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि शायद 1-2 महीने में बैंड बच जाती है उसकी। दूसरा चाइनीज़ आपका झालरें जो हम दिवाली में लगाते हैं, देखने में तो बहुत चमकदार बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कितनी बार चलती हैं, 2 से 3 बार दिवाली के बाद वो भी बैठ जाती हैं, या वो भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम इंडियंस बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में हमें हर चीज़ का नॉलेज है। तो क्या वाकई हमें इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए दूसरी कंट्री पे हर चीज़ के लिए। मैं मानती हूँ चीज़ें सस्ती हैं, लेकिन यार उन आप ये देखो कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज़ धीरे धीरे करके हमारे पूरे इंडिया को एकदम जोंक की तरह सक कर रहे हैं। वो एकदम सारा जैसे खून चूसना होता है ना, एकदम वैसे ही उन्होंने अपना मार्केट इतना ज़्यादा फैला लिया है कि हमारे मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। देखा कि जब मैंने ये सारे पोस्ट डाले कि यार बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट एंड ऑल, तो मेरे कुछ अपने ही फ्रेंड्स मुझे कह रहे हैं कि यार ये सब बकवास है, ये पॉसिबल ही नहीं है, चाइनीज़ प्रोडक्ट हम कैसे हटा सकते हैं, और हमारे घरों में 80-90% तो चाइनीज़ प्रोडक्ट ही हैं। आई अग्री विद यू गाइस कि हमारे घरों में चाइनीज़ प्रोडक्ट बहुत सारे, भी नहीं कहूँगी कि आप उन्हें उठा के फेंक दो अभी, क्योंकि इससे उनका कोई लॉस नहीं होगा, हमारा ही लॉस होगा। बट अभी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे घरों में चीज़ें हैं एज इट इज़ उन्हें यूज़ करिए, बट इन फ्यूचर जब हम शॉपिंग करने जा रहे हैं तब तो हम देख सकते हैं ना, हम आगे कोई चीज़ ऐसी ध्यान रखें कि आगे हम कोई भी ऐसी चीज़ ना लाएं जिसमें मेड इन चाइना लिखा हो, इतना तो हम कर ही सकते हैं गाइज। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार कैसे पॉसिबल है, मैंने कहा क्यों नहीं पॉसिबल है यार, हर चीज़ इंडियन आपको हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट मिलता है। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि प्लीज़ कोई भी कंट्री का मत लीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ अभी मेड इन चाइना बायकॉट करिए। और ऐसा नहीं है, अगर जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला यार बच्चों के टॉयज़ तो केवल मेड इन चाइना होते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेड इन इंडिया होते हैं। आई नो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम होती है, या उसमें जो लाइटनिंग या म्यूजिकल साउंड वाले जो प्रोडक्ट्स होते जो टॉयज़ होते हैं वो मोस्टली चाइना के आते हैं, मैं मानती हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप थोड़ा सा सर्च करो ना, बहुत सारे जापान के भी होते हैं, कोरिया के भी होते हैं, यूएस के भी होते हैं, अलग अलग कंपनीज मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के भी टॉयज़ आते हैं मार्केट में, आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा।
और इसमें मुझे नहीं लगता है कि आप थोड़ा सा टाइम दोगे अपने बच्चे के लिए देखने के लिए कि कौन सा टॉय उसके लिए सही है, तो फिर और अगर मेड इन चाइना नहीं लोगे तो इससे कुछ लॉस हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने भी इधर सक्षम के लिए टॉयज खरीदे क्योंकि आई नो लॉकडाउन है, हम बाहर नहीं ले जा रहे हैं बच्चों को, पार्क में नहीं ले जा रहे हैं, घर पे ही इंडोर गेम्स खिलाना है, तो ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हम उसको दें कुछ नया, क्योंकि वो डेली सक्षम के साथ यही है कि वो डेली बोर हो जाता है और बोलते हैं कुछ नया टॉय चाहिए। तो हालांकि कभी कभी हम लोग पेपर से प्लेन बना देते हैं, जैसे पुराने जमाने में चले जाओ, जैसे हम थोड़ा हम लोग करते थे कागज के खिलौने बनाते थे, बोट बना दीजिए, एरोप्लेन बना दीजिए या कुछ भी अलग अलग, जैसे मैंने प्लास्टिक के डिब्बे रख दिए, उसको बॉल से कहा मारो, तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ हम क्रिएटिव कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें रोज टॉय लाने की जरूरत है, हाँ बट थोड़े बहुत टॉय तो होने चाहिए। तो मुझे लगा कि कुछ एक दो लर्निंग के लिए या थोड़ा टाइम स्पेंड जिसपे वो करे और मुझे थोड़ा टाइम दे किचन के लिए, तो मैंने कुछ कुछ ऐसे टॉय लेके आई। और ट्रस्ट मी, ये कहीं कोई मेड इन चाइना नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने दो टॉयज खरीदे हैं उसके लिए मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, और ये दोनों ही मेड इन इंडिया है। यस, ये मेड इन इंडिया है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने लिया है सक्षम के लिए कैसल बनाने के लिए, सैंड कैसल है ये, और आपको जान के हैरानी होगी कि ये अपना मेड इन इंडिया ही है। आपको शायद दिखे ना दिखे बट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मुंबई है, हालांकि अभी मैं क्लियर नहीं दिखा पा रही हूँ, बट ये है आपका मुंबई, लिखा है मेड इन इंडिया का ही है, यहाँ का इंडिया डला हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड एंड पैकेज्ड बाय हियर, और कहीं पे भी मैंने चाइना ऐसा कुछ भी इसमें नहीं लिखा है। और ये बहुत ही अच्छा गेम लगा मुझे, इसमें कम से कम सक्षम 1 से 2 घंटे आराम से स्पेंड करता है। तो देखा ना आपने कि अगर आप चाहो तो ऐसा नहीं है कि आप मेड इन चाइना ही लेके आओगे घर में, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप थोड़ा सा टाइम दोगे मार्केट में, अगर आप जा रहे हो थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा देखो, तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि सिर्फ मेड इन चाइना की चीजें आती हैं, बिल्कुल भी नहीं। और यार 20-30 या मान लिया 100 रुपए ही है, आप थोड़े टाइम के लिए कर सकते हो ना, जब आप डिमांड बढ़ाओगे तभी तो इंडिया वाले सप्लाई देंगे ना। जब हम मेड इन चाइना ही लेके आ रहे हैं तो यार इंडियन कंपनीज तो बैंड बज ही जाएगा ना उनका, इंडियन कंपनीज कैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी उस चीज को जिसकी वो डिमांड ही नहीं कर रहे हम लोग। अगर हम डिमांड करेंगे कि हमें मेड इन इंडिया चाहिए, हमें मेड इन इंडिया चाहिए, आप देखिए शॉपकीपर भी परेशान हो जाता है। मैंने कल अपने शॉपकीपर को एकदम परेशान कर दिया, मैंने बोला कि मुझे मेड इन इंडिया ही चाहिए, तो बोला कि मैम मेड इन इंडिया आता कहाँ है। मैंने कहा ऐसा थोड़ी ना है यार कि केवल मेड इन चाइना आता है, तो आप देखो आप बोलोगे उसको तो वो भी परेशान हो जाएगा, बट आप खुद सर्च करो तो आपको जरूर मिलेगा। मैंने उसको सामने ही उसको दिखाया कि मैंने देखी मेड इन इंडिया है, तो आप बस ऐसे ही आपको करना है कि आपको खुद देखना है थोड़ा सा। और इसमें मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी गलत बात है। दूसरा ये गेम देखिए, ये गेम कितना प्यारा मैं लेके आई हूँ उसके लिए। इसमें आपका क्लॉक है, आजकल सक्षम को क्लॉक बहुत ज़्यादा शौक है, 1 o'clock हो रहा है, 12 o'clock हो रहा है, तो मैंने सोचा उसको क्लॉक से थोड़ा समझाऊंगी मैं कि कितना कैसे कैसे कौन सा टाइम होता है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिए हैं अलग अलग। आप इसको आई थिंक पकड़ने के लिए है पिन में, तो अभी ये मैंने ओपन नहीं किया है क्योंकि अभी मैंने सैंड वाला निकाला है, इसको थोड़े दिन चलाऊंगी, उसके बाद जब वो बोर होके बोलेगा तब मैं उसको दिखाऊंगी ये वाला गेम। यहाँ पे एलिफेंट हो गया, यहाँ पे फिश हो गया, यहाँ पे अलग अलग जैसे नंबर्स दिए ना कि 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे सारे दिए हुए हैं 12 तक। तो और ये भी आपका जो है ये आपका, ये देखिए यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखा है, इसमें कहीं भी आपको, मैंने पूरा अच्छे से देखा, इसमें कहीं भी आपको मेड इन चाइना नहीं है। क्वालिटी भी गाइस बहुत अच्छी लगी मुझे, और ये दोनों ही प्रोडक्ट मेड इन इंडिया हैं। और वैसे भी आप किसी भी चीज़ में आप बोलोगे कि प्लास्टिक मेड इन चाइना आता है, तो प्लास्टिक तो यार वैसे भी अवॉइड करने वाला है। मैंने भी अब धीरे धीरे मैं कम कर रही हूँ घर से, जितने प्लास्टिक कम हो, जितने प्लास्टिक बॉक्सेस हैं वो सारे मैं धीरे धीरे निकाल रही हूँ उस चीज़ को, कि जितनी जल्दी ख़त्म हो हमारे घर से प्लास्टिक।
आप कोशिश करिए स्टील के बर्तन लेके आइए, स्टील के डिब्बे लेके आइए, उसमें अपने जो भी स्टील या कांच के जार लेके आइए। कांच मुझे बहुत पसंद है आजकल, मैं ग्लास जार बहुत ज़्यादा मेरा अट्रैक्शन हो रहा है, मैं उसमें यूज़ करती हूँ, ग्लास जार में रखने की कोशिश करती हूँ चीज़ें। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए परचेज ही करो। कभी कभार आपने देखा होगा कि जब आप डाबर हनी खरीदते हो तो उसका ग्लास होता है, या आप कोई मैंने खरीदा था पास्ता का, कोई पास्ता सॉस का था, वो भी उस ग्लास जार में था। तो मैं आजकल जब जाती हूँ शॉपिंग करने तो मेरा सारा ध्यान रहता है कि ग्लास वाले जार जो है ना वो ज़्यादा वो लूँ मैं, क्योंकि इन फ्यूचर मुझे यूज़ करना होगा तो उसके लिए भी वो बेटर रहेगा ना। हालांकि प्लास्टिक वाले भी आते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं वो प्लास्टिक में ही आती हैं, वो मजबूरी होती है हमारा खरीदना। बट मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर हम चाहें तो ऐसा नहीं कि प्लास्टिक भी, अगर आप देखो तो इंडियन ब्रांड में भी आएगा। अभी पूरी कोशिश हमें यही करनी है कि अब हम जो शॉपिंग करें आगे वो हमारा मेड इन इंडिया हो तो बहुत ही अच्छा है, या कोई चलो अगर वो नहीं है मेड इन इंडिया, वो चीज़ कोई और अदर कंट्री का है, बट मेड इन चाइना नहीं होना चाहिए। आपको मुझे हम पूरे मतलब पूरे विश्व को मेड इन चाइना से बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि उसने हम सबकी लाइफ स्पॉइल कर दी है। ये मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है हम कितना सफ़र कर रहे हैं इस कोरोना वायरस से, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा बस ये मेन मोटिव है कि यार अगर एक छोटे से उससे अगर हम इनिशिएटिव से हम उसको उसकी जो इरादे हैं उसको तोड़ सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते यार हम लोग। आई नो मैं और आप जाके वहाँ पे बॉर्डर पे खड़े होकर लड़ नहीं सकते हैं, है ना, तो लेकिन ये तो हम कर सकते हैं एज अ इंडियन सिटीजन, हम जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए ना। मैंने कितने पोस्ट डाले, कितने हजारों बार डाला ये चीज़ कि यार प्लीज़ अनइंस्टॉल द चाइनीज़ ऐप, अनइंस्टॉल द चाइनीज़ ऐप। बहुत सारे लोग देखते हैं सिर्फ अवॉइड कर देते हैं, क्यों, अपने थोड़े से इंटरेस्ट के लिए, अपने थोड़े से एंटरटेनमेंट के लिए। यार क्या है टिकटॉक में, मैंने भी यूज़ किया, मैंने भी बहुत दिन यूज़ किया उसको, और यूज़ करके जिस दिन ये सब नाटक शुरू हुआ उसी दिन जब मुझे पता चला कि ये चाइनीज़ ऐप है, मैंने तुरंत के तुरंत उसको अनइंस्टॉल करके अपना अकाउंट पहले लॉग आउट किया, उसके बाद उसको अनइंस्टॉल कर दिया अपने फ़ोन से, और जितनी भी ऐप थी उन सारी ऐप्स को। यार हमारा एंटरटेनमेंट हमारे देश से ज़्यादा बड़ा है क्या, हम इतना सब कुछ सफ़र कर रहे हैं उससे ज़्यादा बड़ा है हमारा एंटरटेनमेंट, मुझे समझ में नहीं आता। कितने मतलब किसके नाम गिराऊं मैं, कुछ लोगों को कितनी बार मैंने मैसेज किया होगा यार डिलीट कर दे। और ऐसा नहीं ये एंटरटेनमेंट वाला सिर्फ आपका टिकटॉक ही है, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं यार, कोई और ऐप्स यूज़ कर लो जो इंडियन ब्रांड का बना हुआ हो या किसी और कंट्री का हो, मुझे वो चलेगा। अभी जब हो रहा है कि इंडियंस को बायकॉट करना है चाइनीज प्रोडक्ट, हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, यार क्या प्रॉब्लम है हम सबकी, हम लोग किसी भी चीज़ को लेकर चिपके हुए हैं तो चिपके हुए हैं, दुनिया मरे तो मरे, मुझे क्या चिंता है, मुझे तो कुछ हुआ नहीं है। तो ये सोच हमें हटानी पड़ेगी कि जब तक हमारे हो या हमारी फैमिली पे वो चीज़ नहीं आ रही है तो हम वो चीज़ करते रहेंगे। व्हाट इज रॉन्ग विद यू गाइस, ये कहाँ का मतलब वो है, मुझे समझ में नहीं आता। आप लोगों का दिमाग है कि नहीं है समझ में नहीं आ रहा है, कितना एंटरटेनमेंट चाहिए यार, मुझे नहीं समझ में आता। उसमें चार फॉलोअर्स आपने इकट्ठे कर लिए, उससे क्या हो गया, आपको क्या मिला, जो देख रहे हैं मेरा वीडियो, जिसको जो उल्टा सीधा मेरे बारे में बोलना है बोलो, जो कहना है कहो, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई वो नहीं पड़ता है। जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे अच्छे से जानते हैं, जो मुझे अच्छे से मानते हैं, वो मेरी बात को ज़रूर समझेंगे, मुझे इतना पता है, और वो अनइंस्टॉल करेंगे इस टिकटॉक एंड ऑल ये जितनी भी चाइनीज ऐप हैं। यार एंटरटेनमेंट के लाखों करोड़ों भरमार है एंटरटेनमेंट का आजकल, सब कुछ भरमार है। तो यार अगर हम कहीं से कहीं और, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एंटरटेनमेंट करना छोड़ दो, मैं कहीं से भी नहीं कह रही हूँ, आप फुल एंटरटेनमेंट करो, आप सारी चीज़ें करो, बट कुछ चीज़ें आप डिसाइड कर लो कि यार मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, मुझे मेड इन चाइना से छुट्टी लेनी है, मुझे मेड इन चाइना छूना भी नहीं है, मेड इन चाइना प्रोडक्ट को मुझे देखना भी नहीं है, ठीक है आप बाकी सारी चीज़ें देख सकते हो, मुझे मेड इन चाइना ऐप यूज़ नहीं करनी है, इसमें क्या बुरा है, इसमें क्या मतलब इतना बड़ा इशू है।
टिकटॉक सिर्फ एक टिकटॉक ही है जो, मैंने बहुत सारे और भी देखे हैं जिसमें ये म्यूजिक वाला आता है कि आप बैकग्राउंड में आपको साउंड रहेगा, आपको बस लिपसिंग करनी है, ऐसे बहुत सारी एप्स हैं। टिकटॉक ही क्यों, क्यों भाई क्यों, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों। एडिक्शन मैं मानती हूँ, आई अग्री विद यू कि इसका एडिक्शन हो जाता है, मुझे भी हो गया था, मैं भी एकदम पागलों की तरह उसके पीछे पड़ गई थी, इतने सारे वीडियोस बनाती थी अपने साथ सक्षम के साथ, और एक बार तो एक हस्बैंड को भी घसीट लिया एक वीडियो में। तो आई नो अच्छा लगता है, बहुत ही इंटरटेनिंग है, मुझे बहुत मजा आया था और जितने दिन मैंने उसको किया मैं जानती हूँ। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये एक चाइनीज ऐप है, मैंने उसी दिन उसको डिलीट कर दिया। तो आपको थोड़ी तो अपनी इतनी विल पावर होनी चाहिए ना कि आप एज अ इंडियन सिटीजन अपने देश के लिए कुछ तो कर पाओ। तो मेरा कहने का सीधा सिंपल इतना है, मैं इतना बड़ा इतनी देर से बकवास मार रही थी, उसका बस सीधा सिंपल एक पॉइंट है कि प्लीज 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 गाइस, बायकॉट द चाइनीज प्रोडक्ट्स, बायकॉट द चाइनीज एप्स, और जो भी चाइना से रिलेटेड है उसे बायकॉट करो फिलहाल के लिए। और अगर इसको कंटिन्यू करोगे तो हम सबके लिए अच्छा होगा, हमारा देश ऊपर होगा, हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी होगी, क्योंकि अगर हम अपने ही ब्रांड को प्रमोट करेंगे, अपने ही देश को प्रमोट करेंगे। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मैंने जब अपना हैंडमेड प्रोडक्ट शुरू किया था तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में यही था कि यार हम इंडियंस बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम बाहर के देशों से चीज़ें मंगवाएं। आपको पता है हमारे देश के जो मसाले हैं पूरे वर्ल्ड में जाते हैं, हमारे देश की चीज़ें पूरे वर्ल्ड में जाती हैं, बाहर के लोग पागलों की तरह इतने ज़्यादा क्यूरियस होते हैं यहाँ की शिक्षा लेने के लिए। आप जब भी जाओगे, बनारस जाओगे और आप कहीं भी वैसे आप दिल्ली में अगर वहाँ इस्कॉन टेम्पल मंदिर देखोगे, वहाँ पे फॉरनर्स इतना ज़्यादा एकदम मग्न रहते हैं, हमारे गीतों को भगवान को इतना वो प्रेज करते हैं, और हम लोग उल्टा जा रहे हैं, मतलब बाहर के लोग हमारी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं और हम लोग उल्टा जा रहे हैं, हमें अपनी चीजों से हम छुटकारा पा रहे हैं और पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हम बस जा रहे हैं। तो भाई ज्यादा दूर मत जाओ कि आ ना पाओ, है ना। तो ऐसा कुछ करो कि यार यहीं बने रहो, अपनी चीजों को बांधे रहो और अपने ब्रांड को, अपने लोकल टू वोकल, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा है, वही मेरी भी कामना है आप सबसे, वही मेरी भी रिक्वेस्ट है कि यार अपने ब्रांड को प्रमोट करो, ना कि बाहर के ब्रांड्स को। हमारा इंडिया किसी भी चीज में कम नहीं है। तो इतना ही बस मुझे कहना था, और मैं ट्राई करूंगी कि और वीडियोस लेके आऊं, ये मुझे बहुत ज्यादा जरूरी लगा था, ये बात मुझे बहुत टाइम से बोलनी थी, इसलिए आज का वीडियो था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, जैसे उन्हें भी ये चीज समझें ये चीज को, और वो भी आगे लोगों को ये चीज पहुंचाएं कि हमें चाइना को बायकॉट करना है। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, बाय।